वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम। बस एक चीज बताना रह गया था कि ये जो मोबाइल फ्रीडम सीरीज 2020 है, उसका जो ग्रुप डी का जो फर्स्ट मैच था, क्वालिफायर वन था, दैट आई वाज अनेबल टू स्ट्रीम बिकॉज ऑफ अ स्पेक्टेटर ग्लिच। तो उसका मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लिया है, हाउएवर वो उतना अच्छा नहीं है, सो आई विल बी पोस्टिंग दैट सून, थोड़ा बहुत एडिटिंग करके। एंड अदर देन दैट, टीम नंबर 14 हैव ESP। ओके, वील श्योरली हैव अ लुक फॉर दैट। टीम नंबर 14 भाई, क्या आपने आप अपने सोर्सेस बता सकते हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सो वी हैव स्विच्ड इन गेम एंड यहां पर लॉबी में हमें दिखेंगे, प्लीज किक टीम 14 एमी। टीम 14 में सर कोई एमी नहीं है फिलहाल। यहां पर आपको ये जो लॉबी देखने को मिल रहा है, दैट इज आवर नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस लॉबी। यहां पर हमें D2D का सेकंड लाइनअप है, यहां पर आयरन बीस्ट का, आयरन बॉन्ड का लाइनअप है, फहीम बीस्ट, स्काईनेट एंड पिक्रिक ज्वाइन होंगे या नहीं पता नहीं, आई गेस। टीम नंबर 20 पे जो वैम्प ऑफिशियल्स है, टीम नंबर 19 जैसे D2D का बोला, टीम नंबर 17 वो TSS का लाइनअप है, अनफॉर्चुनेटली फॉर मैग्मा, ये उनके साथ TSS का जो सेकंड लाइनअप है, उनकी लास्ट टूर्नामेंट है टुगेदर। एंड फाइनली वी हैव डेडली उत्तू भाई ऑन अवर टीम नंबर 15, डेडली कॉल के जैक्स, आयु, एट वंडर डैडी एंड उत्तू। टीम नंबर 16 पर यहाँ पर हमें डार्क टैंजेंट का स्क्वाड नजर आ रहा है, and as I had promised कि we'll be starting at 4:30 sharp and it is 4:30, let's have a check कि और कोई नहीं है number 1 पर। Spitz, Popeye, जल्दी से अपने स्लॉट में बैठ जाइए so that we can start। Okay, so DT Top Dog भी आ चुका है। The wait was finally worth it. No worries. We guys who was watching this, like tok dijiye ek bar and please join your slots ASAP. We'll start SPTZ Popeye. Okay, we are unable to find your slot, sir. Popeye, sir. Shall we begin? And here are we rolling. The match has started. The map is unlocked. भाई 12 बजे जो रजिस्ट्रेशन किया था, मैच कब स्टार्ट होगा? हेलो ब्रो, 12 बजे आज कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। दिस इज PMFS एंड इट हैज अ प्राइस पूल ऑफ 8.5K और ये उसका ग्रुप डी का सेकंड क्वालिफायर है। पैराडॉक्स ओपी ब्रो, हेनरी सर बिग फैन सर, हेनरी सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यर सर, PX हेनरी ओपी। ओके, छोटा सा प्रॉब्लम आ चुका है।
जहां पर ब्रूटालिटी के इग्निस अपने स्क्वाड से अलग हो चुके, इसलिए मैं कहता करूं भाई टाइम पर आया करो। आई स्टार्टेड 1 मिनट लेट। लेट्स हैव अ लुक एट द प्लेन पाथ जो शुरू हो रहा है फ्रॉम इफ आई एम नॉट रॉन्ग कैंप चार्ली के ऊपर से जाते हुए नजर आ रहा है, यहाँ पर बैन टाई के पास से ऊपर पाइन आरस क्वाइट इन द रीच। यहाँ पर सारी टीम्स ने अपना अपना ड्रॉप ले लिया है एंड इट इज हेडिंग राइट टूवर्ड्स खाओ की तरफ टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड बी टी वाई इग्निस का एफ इन द चार्ट हो गया है भाई। ब्रूटैलिटी रामफल एम गॉड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बट हम कुछ नहीं कर सकते थे उसके लिए सर। नो वरीज वील हैव अ लुक एट द ड्रॉप्स जहाँ पर हमें प्लेयर्स उतरते हुए देखने को मिल रहा है। टीम नंबर 12 यहाँ पर ऊसो सुधरा एट सामी एंड टी एस इसका मैगमा का जो लाइन दैट्स एट कम्पोंग आयरन बोन आर गोइंग टूवर्ड्स लाकावी। टीम नंबर 14 दैट इज एफ एस एन एंड टीम नंबर 11 दैट इज एफ एन टी गोइंग द वे टूवर्ड्स ओके। सो यहाँ पर पैराडॉक्स ने फाइट ले लिया है। पैराडॉक्स ओपी डम्बो के हाथ में यहाँ पर क्रोबार है अलोंग विथ एंड एम4। यहाँ पर डम्बो ने M4 से वैम्प प्रेत को नॉकआउट किया है। वैम्प ऑफिशियल वर्सेस पैराडॉक्स देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो आपके लोग बस यहाँ पर थोड़े बहुत बड़े वेक्टर्स स्प्रेड होते हुए इनसेन के नू पैराडॉक्स इनसेन नू यहाँ पर हाथ में सप्रेस शॉटगन लेके हुए डम्बो ने यहाँ पर पीछे से आते हुए यहाँ पर स्पॉट कर भी लिया था। ऊपर से सुपरमैन जंप तो लगाया था वैम्प के लास्ट प्लेयर ने अक्षय ने बट अनफॉर्चुनेटली डम्बो WNL के वो शानदार S12 के बर्स्ट से बचना। एक बार पैराडॉक्स ओपी कर दीजिए सर रक्षित इनसेन एंड डम्बो के लिए पैराडॉक्स ओपी कर दीजिए एक बार। बहुत ही शानदार ये फाइट निकाल रहा है उन्होंने और कैंप ब्रावो को अपना करते हुए यहाँ पर वी कैन एक्सपेक्ट अ फाइट। यहाँ पर डेडली कॉल का फाइट चालू है अलोंग विथ यहाँ पर ब्रूटैलिटी के इग्निस अनफॉर्चुनेटली फिनिश ऑफ हो गया एंड या सो हम देख रहे थे वो ईयर जहाँ पर टीम नंबर 15 जो है डेडली कॉल का फाइट चालू है अलोंग विथ सिंक डी सिंक का जो लाइनअप है दैट इज डी सिंक ऑल स्टार्स। तो यहाँ पर इन्होंने डेडली कॉल ने अपना एक बंदा खो दिया है दैट इज उत्तू भाई को इन्होंने खो दिया है बट दे हैव गेन्ड टू प्रेशियस किल्स फॉर ऑफ डी सिंह। यहाँ पर पोजाइडन और उनके जो टीम मेट है अटैकरॉन वो दो बच चुके हैं और उन्होंने भी एक किल सिक्योर किया था। डम्बो बीस्ट ओपी मैन। जितने भी वॉच कर रहे हैं मेक श्योर यू हिट द लाइक यू शेयर इट सब्सक्राइब करने की कोशिश कर लेना एंड या थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू वी आर फेसिंग ड्यू टू द रेन्स राइट नाउ सो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा बट नेवर माइंड। यहाँ पर हेनरी जी हमें देख रहे हैं सो वी आर वेरी मच ग्रेटफुल भाई ओके एंड यहाँ पर जो छोटे कंपाउंड्स है वहाँ पर नीचे की ओर से डीसेंट कॉल से इसके दोनों प्लेयर्स आ चुके हैं। यहाँ पर डेडली कॉल आर प्लानिंग टू क्रॉस थ्रू वाटर्स। यहाँ पर आई होप इनसेन की जो सेकेंड इनसेन एकेडमी की जो लाइनअप है तो इनसेन हैव फाइनली टेकन देयर रूट्स डाउन ओवर टू द कंपाउंड ऑफ हार्ट इन नियर द ब्रिज। और यहाँ पर ब्रूटैलिटी के जो ओके सो यहाँ पर वी कैन सी आईवी के डेविल ने यहाँ पर एक नॉक निकाला है सो वी विल कवर दैट सून।
या पर डीटी सर्स ने आईवी बॉट को गिरा दिया, बट आईवी डेविल ने डीटी देवांश को गिराया। लेट्स हैव अ लुक एट आईवी एमनी। यहाँ पर वेजिटा ने गिरा दिया है अगेन, अल्फाबेट वेजिटा ने यहाँ पर रिवाइव देने जरूर आएंगे। और आईवी डेविल ने सर्स को फिनिश कर दिया है। डीटी वर्सेस आईवी आईवी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और डार्क टैंजेंट ओपी इन द चैट प्लीज, जो भी देख रहे हो जितने भाई, दो चार लोग भी भाई डीटी ओपी बिग फैन टॉप डॉग सर, बट इन्होंने अपने दो बंदे खो दिए भाई देवांश और सर्च के लिए, खराब लगा। सो चार किल के लिए व्हाट डिड इट कॉस्ट उनकी लाइफ। सर्ज और देवांश यहाँ पर मर चुके। ब्रुटैलिटी ओपी या दे ध्रुवांश भाई, ब्रुटैलिटी ओपी रामफल ओपी मैन। यहाँ पर दे आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द कंपाउंड, यहाँ पर जोन करते हैं। लेट्स हैव अ प्रेडिक्शन, मैं कहता हूँ पाइनान के ऊपर बनेगा विथ ओके। अरे मेरे जोन प्रेडिक्शन कभी सही क्यों नहीं होता भाई, हर बार मैं जो भी बोलता हूँ वो जगह होती है बट हिली जाता है भाई। So obviously boot camp is at the epicenter over here and D2D का जो lineup है तो they are होल्डिंग their मेन किल पॉइंट्स यहाँ पर। जैसे कि हमने देखा था कि पिछले मैच में जिन्होंने WWCD निकाला था, देखा नहीं था क्योंकि मैंने स्ट्रीम नहीं किया था, बट जस्ट टू लेट यू नो कि पिछले मैच में मेरे हिसाब से आई गेस WWCD was taken by Sionix क्या Brutality, I guess Brutality ने निकाला था, exactly yeah। तो पिछले मैच की तरफ भी ये मैच में भी Brutality भाई अपना वही सेम डोमिनेशन दिखा सकती है या नहीं, वो अभी हमें वही अपना गेम प्ले से बता देंगे यार। और हाँ, जस्ट टू लेट यू नो कि यहाँ पर वी आर हैविंग दिस टॉर्नी दैट इज या ब्रूटालिटी टू WCD लास्ट में आई रिमेम्बर या ध्रुव वांस भाई या ब्रूटालिटी हैड टेकन द WWCD विथ रामफल, नहीं शायद इट वॉज दारूबाज हु हैड फिनिश द लास्ट गाय विद द बैरल। सो ना टॉपिक ऑफ ना था तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पर एक फाइट देखने को मिल सकता है बिटवीन पैराडॉक्स एंड आयरन बॉर्न भाई। लाइक दीज आर टू ऑफ वेरी डेडली स्क्वाड्स व्हेन इट कम्स टू क्लोज कॉम्बैट। एंड यहाँ पर वी हैव अ फाइट बिटवीन सियोनिक्स के लाइनअप यहाँ पर बिड़ चुकी है, बट वी विल बी कवरिंग दिस फाइट ओनली, आयरन बॉर्न वर्सेस पैराडॉक्स। रक्षित यहाँ पर रोड क्रॉस करते हुए ओपन में, उन पर शॉट जरूर आएंगे आयरन बोन के फहीम के द्वारा, बट आयरन बोन के फहीम ने डम्बो को भी नॉक आउट कर दिया लेफ्ट में अपने। ओके आयरन बोन डेडली ने फिनिश कर दिया उन्हें यहाँ पर। इंसेन इज द ओनली गाय लेफ्ट, आयरन बोन डेडली ने इंसेन को भी गिरा दिया फ्रॉम पैराडॉक्स प्रॉब्लम्स राइजिंग इन INVT। एनवी ने अपना भाई, आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स फॉर दिस ओपीनेस, इस ओपीनेस को क्या नाम दूं। आई एम रियली शॉर्ट फॉर वर्ड्स। यहाँ पर पैराडॉक्स को जिस प्रकार इन्होंने वाइप आउट किया है आयरन बॉर्न ने, दैट वाज आई एम नेवर टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स। फहीम का जो फहीम का जो था दैट अमेजिंग QBZ स्प्रे दैट टुक आउट डम्बो फर्स्ट। और यहाँ पर एक फाइट छिड़ चुकी है ओवर हियर जहाँ पर हम कवर करेंगे इनसेन एकेडमी वर्सेस टीम सिंक।
desync all stars. So Poseidon is the only person remaining, I think, and Poseidon, yeah, Poseidon is the only person, and Insane is at an advantage of Insane is at the advantage of four-man squad, numbers advantage पर है, तो अभी थोड़ा बहुत like series ही देखते हैं. और yeah, this is a tourney called PUBG Mobile Freedom Series that has a prize pool of 8.5k sponsored by BSAG Sports. मैं हूँ BSAG Falcon और आप देख रहे हैं Group D के qualifiers number 2 in the map of Sanok. तो अगर आपको BSAG tournament में participate करना है तो links are in description. डिस्कॉर्ड ज्वाइन कीजिए, इसकी अपडेट से ही आपको, इफ़ यू विश टू नो कि इसके रिजल्ट्स क्या है, तो इंस्टाग्राम का भी लिंक है, मेरा यूजर नेम ऊपर है, नाम फाल्कन. सो आपको यहाँ पर अपने फेवरेट टीम्स के रिजल्ट मिल जाएंगे. यहाँ पर इनसेन तौर ने एक्सराइजन को स्पॉट डाउन कर लिया और खुले में पकड़े गए. नॉक फिनिश विद दैट अमेजिंग M44 एक्सप्रे. एंड राइट नाउ वी हैव अ 4v2 सिचुएशन. टीम नंबर 8 जो है अपने अननोन ई स्पोर्ट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अननोन वर्सेस इनसेन यहाँ पर देखने को मिल सकता है. थोर यहाँ पर अपना बैक चेक करते हुए, मीन वाइल यहाँ पर एक किल फीड पे हमें यहाँ का हल्का सा व्यू दिख रहा है. इनसेन के जो बाकी के दो प्लेयर्स हैं वो वहाँ पर पीछे होल्ड करके बैठे, टाइगर एंड मैक्सिमस टाइगर एंड इनसेन निक. मीन वाइल वॉइड यहाँ पर हल्का सा कवर देने की कोशिश करते हुए थोर को, और यहाँ पर सिर्फ दो प्लेयर्स बाकी है अननोन के. सो या हम देख पा रहे थे कि ग्राउंड पे हाल ही में FNT वर हैविंग अ फाइट अलोंग विथ टीम नंबर 12 दैट इज उसोस. यहाँ पर FNT वर्सेस उसोस देखने को मिलेगा. फैंटम एलिट्स के निमित्त ने यहाँ पर उसोस फैंटम को गिरा दिया है. उसोस इज इन रियल बैड ट्रबल. यहाँ पर फीनियस ने अब्रार को गिरा दिया है. लेफ्ट में एक हल्का सा एंगल बना तो हुए, ही इज द सोल मैन स्टैंडिंग. यहाँ पर नो मर्सी आ चुके हैं. यहाँ पर एक 1v2 सिचुएशन है. विल फीनियस बी एबल टू क्लोज इन एंड फिनिश अब्रार? उसको डैमेज जरूर देंगे, स्पॉट जरूर गया, कवर फायर देने की कोशिश मर्सी के द्वारा. नो मर्सी यहाँ पर एक स्टोन रॉक का कवर लेकर खड़े एंड नेड्स कुक करते हुए रैंडमली. बट विल दे बी एबल टू रिवाइव अब्रार? अब्रार को यहाँ पर रिवाइव देना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. बट वेजिटा ने यहाँ पर अब्रार को फिनिश भी कर दिया है. निमित ने वहां पर वापस उसोस के लिंक को नॉक डाउन करते हैं. जोन के साथ एक अलग फाइट लेते हुए जोन से नॉक हो चुके हैं उसोस को. वेजिटा ने नो मर्सी ने एक और बार नॉकआउट कर दिया है. तो वहां पर केवल दो बंदे बचे. उसोस का 1v2 सिचुएशन जिसकी बात कर रहे थे वो आ चुका है. एंड यहाँ पर फीनियस हैज टू हैव अ फाइट अलॉन्ग विद नो मर्सी एंड निमित, वेयर एज देयर विल बी टू प्लेयर्स फ्रॉम उसोस आउटसाइड द प्ले जोन जो एक दूसरे को फिलहाल रिवाइव दे रहे. फैंटम एंड वेजिटा जो जोन से अपना फाइट ले रहे. दिस जोन इज क्लोजिंग इन. लेट्स हैव अ क्विक प्रेडिक्शन. आई थिंक जरूरत ही नहीं प्रेडिक्शन की. जोन I think the zone is going to cut more towards the center. I guess थोड़ा हल्का सा zoom करना पड़ेगा. Whereas you can see on the north eastern frontier वहाँ पर जो bootcamp से road अंदर आया था वहाँ पर काफ़ी एक cluster बना हुआ दिखाई दे रहा है. उसोस के फैंटम का हाथ में ग्रेनेड है. वहाँ पर फैंटम यहाँ पर प्रोन डाउन हो चुके हैं. सही टाइम पर फीनियस वहाँ पर क्लोज इन करते हुए. फैंटम को आई गेस पीछे जाना चाहिए instead of pulling off the nade. If he pulls on a right flank, वहाँ पर Poseidon एक backstab दे सकते हैं इनको. हमें दिखे थे यहाँ पर Poseidon हल्के से पीछे. वहाँ पर Phantom ने वो nade बिल्कुल सही connect किया. बिल्कुल सही decision था. जी हाँ, यहाँ पर Phantom elites problem में आते हुए. And Usos के लिए एक बार open the chat कर दीजिए for that 4 well deserved kills. At the same point यहाँ पर एक fight अलग चालू है between TSS and FSN. यहाँ पर Magma knock पड़े है and he has a teammate around to revive him. Cover की भी
प्राप्ति होगी इन्हें, बट यहाँ पर निंजा के ऊपर नेड आता हुआ, नेड बाउंसरों के पीछे चल जाएगा, हल्का सा डैमेज पड़ेगा, मैग्मा नुकिया फिनिश हो जाएंगे, यहाँ पर निंजा उन्हें रिवाइव देंगे और रिवाइव खत्म होते ही उन्हें फर्स्ट एड पॉप आउट जरूर की थी। आगे जाकर FSN जो कि है फ्यूजन के मितेश यहाँ पर क्लोजिंग करेंगे। जोन इज द विलन अगेन, जोन के साथ मस्ती नहीं करनी चाहिए आपको। इंसेंट वर्ल्ड ने ऐसे मोमेंट APGS वेजिटा नूब को फिनिश कर दिया है, पीयूष के नेड ने दारूबाज को गिरा दिया है। ओके तो यहाँ पर एक अलग फाइट लेते हुए नजर आ रहे TSS टीम सेकंड सन इज इन ग्रेट ट्रबल, एंड जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पर डेडली IUBTC और डेडली की स्क्वाड ने यहाँ पर एक बैक स्टेप बिल्कुल सक्सेसफुली दे दिया, पीछे से शॉट्स आते हुए फ्रॉम इनसाइड द जोन। डेडली IUBTC हैज कंफर्म द किल, D2D के इंडोमिनस को मैग्मा का किल मिल जाएगा। काम बच्ची जोन के बाहर जाने की कोशिश करते हुए टूवर्ड्स टेरर जो फिलहाल जोन से फाइट ले रहे हैं। मीनवाइल मूविंग ऑन टू टीम नंबर 18 जो है सिंकेक्स, वो वहां पर एक बैक स्टेप का रोल प्ले कर रहे हैं, टीम के लिए लास्ट मैन स्टैंडिंग है, बट यहाँ पर D2D के इंडोमिनस भी जोन का शिकार बन जाएंगे। यहाँ पर 3x RNB के डेडली का स्पॉट किया है, स्प्रे जरूर शुरू किया था, बट अगर 20 के ऊपर स्पॉट लेते तो शायद ही कुड हैव डन समथिंग विद दैट स्प्रे। एंड मूविंग ऑन टू D2D जो द किल फील्ड को पूरा आगे पीछे घुमा रहे हैं D2D वाले, सिमर बम बम एंड सोलो राइट नाउ गोइंग प्रीटी स्ट्रांग, एंड राइट नाउ 800 डैडी के ऊपर चार्ज इन करते हुए बम बम को नाउ फिनिश कर दिया है। डैडी अपरोगन बट कवर फायर बाय डेडली जैक्स, बहुत ही बढ़िया कवर फायर। सिंक एक्स पोसाइडन ने स्काईनेट का जो नॉक था उसको भी फिनिश करते हुए एक किला एक और अपने नाम कर दिया है। मीनवाइल इंसेन वॉइड यहां पर पानी से ही मर जाएंगे अनफॉर्चुनेटली, तो जोन इज द एनिमी, यहाँ पर आप जोन से पंगा नहीं ले सकते। इंसेन एकेडमी के लिए काफी प्रॉब्लम्स रेज होते हुए मैक्स टाइगर भी जोन का शिकार बन जाएंगे इन दिस, बट हाउएवर इंसेन थॉरेस मैनेज टू क्रॉल इनसाइड द जोन, यहाँ पर एक छोटा सा कंपाउंड पकड़ के बैठे 85 मीटर्स टू गो इनसाइड, एंड ही हैज टीम नंबर 8 जो है टीम अननोन स्पोर्ट्स के पूपू ओपी उनके राइट पे, तो उन्हें जोन में जाने के लिए एक छोटी सी दिक्कत दे सकते हैं। मीनवाइल यहाँ पर एक टोटल ऑफ 5 स्क्वाड बची है, दैट इज इंसेन एकेडमी अननोन स्पोर्ट्स उसोस विद अ नंबर एंड किल एडवांटेज, यहाँ पर आयरन बॉर्न के मेरे हिसाब से आयरन बॉर्न वुड बी टेकिंग द सेकंड नंबर, बट यहाँ पर सिंक डी सिंक के जो पोसाइडन है वो काफी बढ़िया खेलते हुए नजर आ रहे हैं। डी सिंक के लिए वो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं विथ हिज सोल कॉन्ट्रीब्यूशन। फहीम को वहां पर रूसोस वेजिटा के द्वारा बहुत ही बढ़िया स्प्रे आता हुआ, फहीम इज लेफ्ट ऑन 1 HP रोड पर स्मोक पानी में स्मोक करके यहाँ पर बीस्ट क्रॉस करने की ट्राई करेंगे थ्रू द वॉटर, एंड ही हैज सक्सेसफुली। मीनवाइल पोसाइडन हैज स्पॉटेड हिम, पोसाइडन हैज टेकन डाउन डेडली पोसाइडन। पोसाइडन एक बार पोसाइडन के लिए एक बार ओपी कर दीजिए, बट आखिरकार कब तक वो अकेले सर्वाइव कर पाते, उन्होंने बहुत ही बढ़िया राउंड निकाला था। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट एक बार डी सिंह के पोसाइडन ओपी कर दीजिए हुएवर इज वाचिंग दिस, एंड इंसेन थोर यहाँ पर प्रोन डाउन हो चुके हैं बिहाइंड दिस स्टोन कवर, 3 टीम्स लेफ्ट, और यहाँ पर इन पर भी एक नेड आता हुआ पर टीम नंबर 21 और यहाँ पर जरूर रश करना चाहेंगे इन पर बिकॉज इट्स क्वाइट ल्यूक्रेटिव। एक थ्रू एक अकेला बंदा पर आयरन भी जैसी एक सिंक्रोनाइज टीम क्यों रश नहीं करेगी, और की और 20 का वो बहुत ही प्यारा सा नेड हैज फिनिश्ड ऑफ इनसेन, दैट लीव्स अस विथ 4v2 सिचुएशन, आई मीन 3v2 से ओके 3v3 सिचुएशन है। यहाँ पर 2 स्क्वाड बची है, आयरन बी वर्सेस यूसोस, यहाँ पर यूसोस के फिनियस ने आयरन बी के डेडली को टेक डाउन कर दिया है। बीस्ट और फहीम द ओनली 2 रिमेनिंग 2v3 सिचुएशन कन्वर्ट करते हैं 1v1 अगेंस्ट यूसोस, यहाँ पर फिनियस ने 1v1 बहुत ही शानदार तरीके से कर दिया। मीनवाइल कवर मार देते हुए 20 के द्वारा 20 यहाँ पर सही टाइम में प्रोनाउन हो चुके हैं, बट सर्कल प्ले जोन बीइंग द एनिमी आयरन बोन मिस दैट चिकन डिनर, एंड उसोस के लिए एक बार ओपी इन द चैट कर दीजिए फॉर देयर 7 किल WWCD, और हर बार मरने के बाद ये क्या गोली चलाने का कुछ रिवाज जरूरी है क्या, रुको ना शांति से ओके So yeah, that was a great display of gun power and performance and grit by Usos. और क्या ही बोले इनके बारे में, इन्होंने बहुत ही बढ़िया खेला, that's all I can say right now. As well as जो fourth position पे आए थे
डी सिंक ऑल स्टार्स के पोजाइडन थे आई गेस, तो डी सिंक ऑल स्टार्स के पोजाइडन ने भी काफी अच्छा योगदान दिया वहां पर। अपने टीम में, अपने टीम को टॉप फाइव में लाने के लिए। दैट्स इट फॉर इट। ओके, सो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। आपको सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे एट, रिजल्ट्स आ जाएंगे एट रात तक आ जाएंगे यार, स्टे ट्यून्ड। आप देख लीजिए हमारे, एक सेकेंड। ओके, सो या आपको हमारे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सभी अचीवमेंट्स और जो भी रिजल्ट्स स्टैंडिंग्स है वो आ जाएंगे। द फाइनल एंड फेयर स्टैंडिंग विल बी आउट बिफोर टू नाइट, एज वेल एज वी कैन सी ग्रेट डिस्प्ले ऑफ परफॉर्मेंस राइट नाउ बाय द अंडरडॉग। सो आपको भी ऐसे टॉरीज में पार्ट लेना है। लाइक दिस वॉज अ पबजी मोबाइल फ्रीडम सीरीज 2020 स्पॉन्सर्ड एंड ऑर्गेनाइज बाय पेसेज ईस्पोर्ट्स। नाउ फाल्कन एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बिग थैंक यू। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं फिर कल सेमीफाइनल्स। बाय।